ये तो बहुत बड़ा रैकेट होगा, आप अभी पकड़े तो अच्छा हो, लेकिन उसको थोड़ा डेवलप तो करो। अच्छा किया उन्होंने। हाँ अच्छा पकड़ा है, यू हैव राइटली रीच टू ए कंक्लूजन, बट उसको आगे आगे तो बढ़ाइए, इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड वेरीफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम एसईसीएल ऑल्सो, क्योंकि अगर कोयला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक ही गेट पास की दो गाड़ियां, एक ही नंबर की दो गाड़ियां निकल रही है, तो एक ही गेट पास में दो गाड़ियां निकलेगी, तो कहीं ना कहीं तो ट्रैकिंग होगी उसकी, उसका इन्वाइस कि आप जरा आगे कीजिए इन्वेस्टिगेशन। हाँ इसमें बहुत बड़ा खेल है, फॉलो जी कीजिए इसको। माय हम्बल सबमिशन दैट हु हैज आर्ग्यूड दिस केस? अच्छा मिस्टर गौतम खेतपाल, हाँ मिस्टर गौतम खेतपाल। अच्छा हाँ हाँ क्या है आई वही विल केस, जस्ट इन्फॉर्म। व्हाट इज द केस? कोयला गेट के सामने सर गैरेज है सर, हाँ गैरेज के पास दो गाड़ियां खड़ी थी सेम नंबर की थी सर, हाँ तो उसमें कार्रवाई की है सर। तो वो एक ही नंबर की गाड़ी थी, जी नंबर प्लेट दोनों पे एक ही है सर। इसमें कोयला, क्या कोयला ट्रांसपोर्टेशन होता है? कोयला गेट है सर सामने में, वहीं हाँ सामने तो में ये गाड़ियों में गैरेज क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? कोयला। कोयला होता है सर। आपने वो एसईसीएल वगैरह में पता किया ये दो गाड़ियों के पास कब कब की तारीख में निकला है? क्या इन्वेस्टिगेशन करते हो भाई आप लोग? कोयला आपको एसईसीएल से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना था कि ये जो गाड़ी अगर कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, तो ये कोयला एक ही गेट पास पे दो गाड़ियां नंबर लिख रही है, मतलब ये तो बहुत बड़ा रैकेट होगा, आप अभी पकड़े तो अच्छा हो, लेकिन उसको थोड़ा डेवलप तो करो। अच्छा किया उन्होंने। हाँ अच्छा पकड़ा है, यू हैव राइटली रीच टू ए कंक्लूजन, बट उसको आगे आगे तो बढ़ाइए, इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड वेरीफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम एसईसीएल ऑल्सो, क्योंकि अगर कोयला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक ही गेट पास की दो गाड़ियां, एक ही नंबर की दो गाड़ियां निकल रही है, तो एक ही गेट पास में दो गाड़ियां निकलेगी, तो कहीं ना कहीं तो ट्रैकिंग होगी उसकी, उसका इन्वाइस कि आप जरा आगे कीजिए इन्वेस्टिगेशन। हाँ इसमें बहुत बड़ा खेल है, फॉलो जी कीजिए इसको एंड सबमिट द रिपोर्ट जी जी प्लीज दिस केस ऑन। January 29 यू इन्वेस्टिगेट द मैटर देन सबमिट योर एफिडेविट। सर। ओके।